Hey guys, this video is brought to you by the brilliant One Football app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, One Football makes that very easy for you. One Football is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the One Football app. Please head into the link given in the description below and download the One Football app now. Premier League is back, transfer season is back और मौके पे चौका मार दिया लिवरपूल ने, कोडी गैकपो को साइन कर लिया है। हेयर वी गो आ चुकी है फैब्रिजियो रोमानो की और आउट ऑफ नोवेयर हुआ ये। हमेशा हम सुनते आ रहे थे समर ट्रांसफर विंडो से और अभी भी लेटेस्ट वर्ल्ड कप के टाइम पे भी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कांटेक्ट में है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड हैं और जो भी लिंक्स आ रही है वो सारी मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही थी। और कोई ऐसा मतलब ठीक है थोड़े बहुत लिंक्स जो दूसरे क्लब से आते लेकिन ऐसा लिंक तो लिवरपूल से आया ही नहीं था कि हेयर वी गो हो जाए इतनी जल्दी। और पहले पीएसवी ने अपने ऑफिशियल पेज पर डाल दिया, उसके थोड़ी देर के बाद फैब्रिजियो रोमानो ने कन्फर्म कर दिया कि 6 साल की जो है वो डील साइन होने वाली है गैकपो और लिवरपूल की। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बेहतरीन साइनिंग है ये और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यहाँ पे काफ़ी निराश होंगे और होना भी चाहिए। आपने एक इतना अच्छा प्लेयर खो दिया है, रेस आप हार गए उसके ट्रांसफ़र की और वो भी अपने आर्च राइवल से। तो ये एक चीज़ है जो लिवरपूल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। आप देखें अगर कल लिवरपूल ने एक अच्छी शुरुआत करी, वापस अपना जो कैंपेन रीस्टार्ट किया एस्टन विला के अगेंस्ट, एक कन्विंसिंग विक्ट्री थी 3-1 से वो मैच जीते। लेकिन अब जो एक दिक्कत सता रही थी लिवरपूल को कि लुइस डियाज इंजर्ड थे, फर्मिनियो आउट ऑफ एक्शन है काफ़ी टाइम तक और उसके बाद उनके फ्रंट लाइन में इश्यूज थे। जैसे फ्रंट लाइन में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड है अभी लिवरपूल के। आप कल भी देखें तो एलेक्स ऑक्सलेट चेम्बरलिन ने स्टार्ट किया था फ्रंट लाइन में, फिर फाबियो करवालो है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं फायर पावर के मामले में जो लिवरपूल को बहुत ज़्यादा एक डेंजरस टीम बनाता है। तो कोडी गैकपो के आ जाने से इस टीम का अटैक और एक नॉच ऊपर चला जाता है। अगर मैं कोडी गैकपो की बात करूं तो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का ही है अगर गोल्स और असिस्ट की हम बात करें तो। फिर नेक्स्ट मेसी और हालैंड आते हैं लिस्ट में, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पर वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि नेदरलैंड्स के लिए किस तरीके से उन्होंने खेली थी अपनी फुटबॉल और वो फ्रंट लाइन में हर जगह खेल सकते हैं। आप उनको अटैक लीड करने को बोलेंगे वो आपको अटैक लीड करेंगे, आपको उनको वाइड खिलाना है वो वाइड खेल लेंगे, स्ट्राइकर के पीछे खिलाना है स्ट्राइकर के पीछे खेल लेंगे। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है और यर्गन क्लॉप अगर जिस प्लेयर को लाते हैं तो वो हमको पता होता है कि वो कुछ सोची समझी साइनिंग है। यहाँ ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि डार्विन नूनेस का आप देखें किस तरीके से वो चांसेस वगैरह मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है डार्विन नूनेस को जज करना मेरे हिसाब से। मुझे लगता है उनको और टाइम देना चाहिए। फॉर्म में मैं क्या बोलूँ, वो पहुँच तो रहे गोल स्कोरिंग पोजिशन में लेकिन कुछ ऐसे चांसेस वो मिस कर रहे हैं जो कि एक टॉप स्ट्राइकर को तो फिनिश करना ही चाहिए। तो ठीक है, डार्विन नूनेस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कोडी गैकपो की। और क्या तो साइनिंग है ये, बहुत ही बेहतरीन साइनिंग और एज अ राइवल मुझे काफ़ी डर लगता है देख के लिवरपूल ने इस तरीके का प्लेयर उठा लिया है। और सबसे ज़्यादा जो जैसा मैंने कहा एक कहते हैं ना सकर पंच मार दिया है लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को, अनपेक्षित हमला और बिल्कुल भी यहाँ पर रेडी नहीं थे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की। कोडी गैकपो जो पूरे समर और अभी भी वर्ल्ड कप के बाद से भी उनसे लिंक थे उसको उठा के एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ले गई है। तो यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी लिवरपूल के मैनेजमेंट की, जो भी लोग इंचार्ज हैं यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसीज के। और यहाँ पर क्या है, देखिए ओनरशिप चेंज नहीं हो सकता है बहाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए क्योंकि सेम जो चीज़ है वो लिवरपूल में भी चल रही है। तो जिस तरीके से ये मैनेज करी है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देती है साइनिंग को। और अभी मिडफील्डर्स की भी लिंक्स आ रही हैं लिवरपूल के साथ, एंजो फर्नांडिस की लिंक आ रही है, जूड बेलिंगम की लिंक आ रही है, फिर सोफियान अमराबाद की भी लिंक आ रही थी वर्ल्ड कप के दौरान। तो अगर इनमें से एक और कोई प्लेयर लेके आ जाती है लिवरपूल तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और तगड़ी टीम बन जाएगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइटल रेस में शायद अब थोड़ा पीछे ज़रूर हो गई होगी लेकिन टॉप 4 में अपना क्लेम स्टेक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है और डेफिनेटली लेवल ज़रूर बढ़ाती है लिवरपूल को। और इस तरीके की आपको अग्रेसिव साइनिंग्स करनी पड़ेंगी क्योंकि आप देखें जिस तरीके से न्यूकासल खेल रही है, आर्सेनल ने कल एक गोल खा के फिर कमबैक कर लिया बहुत अच्छे से। और कमबैक क्या, बिल्कुल मतलब दे ब्लू वेस्ट हैम आउट ऑफ द पार्क और बहुत अच्छे से वो जीत गए। उसके बाद फिर हम खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पर्स ने एक लूजिंग पोजीशन से ड्रॉ करा लिया, 2-0 से वो डाउन थे ब्रेंटफोर्ड से, वहां से उन्होंने ड्रॉ करा लिया वो मैच। तो काफ़ी कट थ्रोट हो गया है। और चेल्सी की तो मैं अभी डिस्कशन में लाऊंगा ही नहीं चेल्सी को, तो क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो चेल्सी को अभी ठीक करनी है। तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है, टॉप 4 का कंपटीशन 7-8 टीमें हो चुकी हैं, जाएंगी सिर्फ 4।
तो उस हिसाब से लिवरपूल को करना था कुछ अपने अटैक को ठीक करने के लिए, और वो बेहतर कर लिया उन्होंने जो उनको करना था उससे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द लिवरपूल फैंस, बधाइयाँ आपको, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर आपने साइन कर लिया, और यर्गन क्लॉप विल टर्न कोडी गैक्पो इनटू एन एब्सोल्यूट बीस्ट मेरे हिसाब से, और ये बहुत दिक्कत होने वाली है बाकी टीम्स को। अब बात करते हैं दूसरी खबर जो थी, जो कल आई थी, तो मैं वेट कर रहा था इस पर कुछ और अपडेट आ जाए लेकिन आया नहीं, तो इस पर मैं थोड़ा सा बस एक रिएक्शन दे देता हूँ इनिशियल की। जेम्स बेंज ने रिपोर्ट किया था, जिसको बेन जेकब्स ने कोरोबरेट कर दिया है, कि रोनाल्डो का जो मूव है अल नसर का वो काफ़ी करीब लग रहा है, क्योंकि एक मेडिकल भी जो है वो शेड्यूल हो गया है, और 1 जनवरी से पहले ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट हैं सारी पार्टीज़ कि हो जाएंगी ये साइनिंग, और देखते हैं क्या होता है इसमें। अब एक बार और इस पर क्लैरिटी आ जाए तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बेन जेकब्स कॉरोबरेट कर रहे किसी रिपोर्ट को, तो काफ़ी बार वो जो है चीज़ सही होती है, और लग रहा है यहाँ पे कि रोनाल्डो शायद अल नसर जाएंगे, क्योंकि और किसी क्लब से तो अभी लिंक आ नहीं रहा, स्पेशली यूरोप में किसी चैम्पियंस लीग टीम से किसी भी तरीके की कोई ऐसी अभी सुनने में आई नहीं है बात कि यहाँ पर वो इंटरेस्टेड होंगे रोनाल्डो को साइन करने में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट जैसा मैंने कहा, मैं पर्सनली चाहता था कि रोनाल्डो रुके यूरोप में, उनको चैम्पियंस लीग में हमको देखने का और थोड़ा सा मौका मिले, 1-2 साल वो और खेलें, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर है अल नसर से जो आया है सऊदी अरेबिया से, वो शायद एक्सेप्ट कर लेंगे रोनाल्डो, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ा सा और इस पर डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर इसमें डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी और डिटेल्स आ जाएंगी कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, जो वो बता रहे हैं $200 मिलियन का जो एक साल का है कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, क्योंकि इधर $75 मिलियन बोला था, जो तो 75 मिलियन अपफ्रंट है, बाकी एड ऑन्स हैं, क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस हैं, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर है डील का, तो एक बार पूरी हो जाए उसके बाद अपन इस पर डिटेल में बात करेंगे। बट बेन जेकब्स ने बोला है कि मेडिकल शेड्यूल्ड है, तो कुछ इसमें हो सकता है वजन इस बात में। बाकी प्रीमियर लीग की वापसी हो चुकी है, क्या शानदार शुरुआत हुई कल, और ब्रेंटफर्ड ने 2-0 की लीड ले ली थी, फिर स्पर्स ने कमबैक किया, फिर उसके बाद न्यूकासल का शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जहां से सीज़न ख़त्म किया था ब्रेक में, वहीं से ही उन्होंने शुरुआत करी है। फिर लिवरपूल ने, जैसा मैंने कहा, एस्टन विला को हरा दिया, आर्सनल ने अपना मैच जीत लिया है वेस्ट हैम से, तो बहुत ही अच्छे मैचेस हुए हैं यहाँ पर। एवर्टन हार गई है, प्रेशर वापस से जो है बन जाता है, और फुलम ने भी अपना मैच जीत लिया, तो काफ़ी एक्शन हुआ कल, 2 रेड कार्ड मिले उस मैच में, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कल हुई। और आज चेल्सी अपना कैंपेन रीस्टार्ट करेगी, तो करेंगे हम उस मैच का वॉच लॉन्ग, आप ज़रूर जुड़िएगा, और मैच के पहले उसकी बात करेंगे ज़्यादा। तो देखिए, मैं अभी उम्मीदें लगाए बैठा नहीं हूँ, एक बार बस देखना चाहता हूँ मैं कि किस तरीके से चेल्सी खेलेगी, और जैसा मैंने कहा, मुझे टॉप 4 की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी फिक्स करनी है, लेकिन एज अ फैन आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है कोडी गैक्पो को लेके, रोनाल्डो टू अल नसर को लेके, और प्रीमियर लीग का जो भी एक्शन देखा हमने उसको लेके। चलिए फिर मिलते हैं रात को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।